ये फोटो, ये फोटो, ये फोटो और ये फोटो। ये फोटो कोई टूरिस्ट प्लेस से नहीं है, कोई उतनी खास प्लेस से नहीं है, लेकिन मेरे नज़रिए में ये फ़ोटोज़ बहुत ख़ास हैं। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये फ़ोटोज़ कहाँ हैं, ये अनएक्सप्लोर्ड जगह कहाँ है, ये एक्सप्लोर्ड अनएक्सप्लोर्ड जगह मैंने खींची हुई है। तारुक ओपन माइक स्टोरीज दैट इंस्पायर सीजन टू। Assalamualaikum, I'm Malik Abid from Pampo, Kashmir. I'm a photographer and an artist. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोटोग्राफी क्या है मेरे लिए और मेरी ज़िंदगी में फोटोग्राफी ने कैसा ड्रामेटिक चेंज लाया है। आई स्टार्टेड माई फोटोग्राफी जर्नी इन 2013, जिसमें एक फैमिली में एक कैमरा होता था जिसमें वो रील लगती थी, और उस रील से एक फ़ोटो भी आपको मिल जाए तो आप बहुत लकी होते थे, क्योंकि वो पूरी फैमिली का कैमरा होता था। तो पापा से चुरा के वो कैमरा और उस कैमरा से एक फ़ोटो लेना वॉज वेरी मजेस्टिक, कि आप एक फ़ोटो लो उस कैमरा से और फिर खुद की वो जब वो फिल्म बन के आए और आपने वो देखा हो कि वो शॉट कैसा है, वो एक अलग ही खुशी थी। पहले एक छोटा सा कैमरा होता था पॉइंट शूट, जिसको साइबर शॉट कहते थे, तो उस कैमरा से जब मैं एक फ़ोटो लेता था तो मुझे लगता था कि मैंने ना बहुत कमाल किया हुआ है, मैंने एक बहुत ज़बरदस्त फ़ोटो खींची है, और मैं जिसको भी दिखाऊंगा वो अमेज हो जाएगा कि ये आपने कैसे खींची। एक वैसा फ़ोटोग्राफ कोई और खींच ही नहीं सकता था। वो मेरी थिंकिंग थी जब मैं कैमरा लेता था, जब वो साइबर शॉट लेता था। जब आप फोटोग्राफी के फर्स्ट फेज़ में होते हो, उस वक्त आपको बस ये दिमाग में होता है कि मैं सीखूं। वही मेरी एक सबसे बड़ी खूबी थी तब, कि मैं सीखना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे को कोई सिखाए कि मैं कैसे आगे बढ़ूं इसमें, मैं कैसे देखूं, मतलब मैं कैसे इसमें ग्रो करूं, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट आपको स्टार्ट में नहीं मिलेगा, और ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे पास नहीं था, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये फोटोग्राफी होती क्या है। उन्होंने बस शादियों में देखा था एक कैमरामैन, शायद ये फोटोग्राफी है। बट उस फोटोग्राफी के बगैर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फोटोग्राफी जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं कैमरा लेके अपना एक गेयर था मेरे पास, जो मेरा नहीं था, जो हम चार फ्रेंड्स ने लिया था। आई विल टेल यू दिस स्टोरी, जो हम चार फ्रेंड्स ने लिया था, जिसको आजकल हम DSLR बोलते हैं। वो DSLR बहुत महंगा आता था और हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम वो DSLR खरीदे खुद के बलबूते पे, और फैमिली का सपोर्ट तो ऑब्वियसली था कि अगर हम पैसे मांगते तो वो DSLR नहीं दे देते, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन हम चार फ्रेंड्स, पांच फ्रेंड्स ने एक DSLR लिया था, और उस DSLR से मैंने अपने स्किल्स को ग्रो किया। मैंने उस DSLR के एक एक ऑप्शन को देखा कि इससे क्या होता है, सो दैट मैं उस चीज़ से सीखूं कि मैं एक बेटर फोटोग्राफर बनूं। सो उस कैमरा से मैंने सीखा, और वो कैमरा मेरी ज़िंदगी का ऐसा टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि जिस कैमरा से आप सीखते हो वो कैमरा आपका बहुत अजीज होता है, और उस कैमरा से मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये फोटो, और आप यकीन नहीं करेंगे, वो एक क्रॉप सेंसर फोटो, मतलब मेरे पास लेंस भी था, और उस हमें उतनी नॉलेज नहीं थी उस लेंस की, और वो लेंस इमेज आउट करता था, और हमें पता, मेरे को तब 2 साल बाद पता चला कि ये लेंस ख़राब है, ये लेंस आउट इमेज करता है। लेकिन होपफुली मैं तब तक सीख चुका था कि मेरे को इसको कैसे हैंडल करना है, इस पिक्चर को कैसे हैंडल करना है। फोटोग्राफी में ज़रूरी ये नहीं है कि आपने कैमरा उठाया और फोटोज लेने स्टार्ट कर दिए और आप फोटोग्राफर बन गए। फोटोग्राफी में ज़रूरी है कि आप एक सीन को कैसे अलग नज़रिए से देखते हो, क्योंकि कोई भी कैमरा लेके फोटो ले सकता है ऐसे ही, बट एक अलग नज़रिया होना ज़रूरी है। एक अलग नज़रिए में क्या आता है, एक अलग नज़रिए में आपकी फ्रेमिंग आती है, जिसमें
कंपोजिशन टेक्निक्स आते हैं। अगर मैं दो बंदों को सेम गियर दे दूं और सेम जगह खड़ा कर दूं, एक को टेक्निक्स के बारे में पता है और एक को टेक्निक्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन दोनों को खींचना आता है। टेक्निक्स आर द बैकबोन ऑफ फोटोग्राफी, क्योंकि आप टेक्निक्स से ही सीखते हैं कि फोटोज को कैसे बेहतर बनाया जाए। सो हमारी पहली टेक्निक आती है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग हम उस चीज को बोलते हैं, एक चीज को एक ऐसी ऐसे तरीके से पोर्ट्रे करना ताकि एक आम इंसान जो देखे कि नहीं, ये अलग है, ये चीज अलग है, ये मैंने नहीं देखा था, ये इसका कैमरा कुछ अलग दिखा रहा है। दैट इज कॉल्ड फ्रेमिंग। ये जो आप ये फोटोग्राफ देख रहे हो, इसमें मैंने ये फ्रेम किया है ये विंडो, सो ये एक सीन है, सो इसको कैची इस विंडो ने बनाया है, सो दिस इज द फ्रेमिंग। हमारी सेकेंड कंपोजिशन टेक्निक है रूल्स ऑफ थर्ड्स। रूल्स ऑफ थर्ड्स एक ऐसी टेक्निक है कि आप सब्जेक्ट को किस जगह फोटोग्राफ में प्लेस करोगे। अब ये फोटोग्राफ देखिए, इस फोटोग्राफ में मैंने एक बंदे को रूल्स ऑफ थर्ड के हिसाब से डाला है, और वो कैसे डाला है, एक ग्रिड लाइन के हिसाब से। एक ग्रिड बनता है एक फोटोग्राफ में जिसके 6 हिस्से हो जाते हैं फोटोग्राफ के। इस कंपोजिशन टेक्निक से आप एक फोटोग्राफ को कैची बना सकते हो। जैसे कि मैंने इस फोटोग्राफ में एक सब्जेक्ट को इस जगह प्लेस किया है और इस फोटोग्राफ को रूल्स ऑफ थर्ड्स के हिसाब से नहीं लिया है, सो ये एक इमेज को कैची बनाने में आपको मदद करती है। हमारी थर्ड कंपोजिशन टेक्निक आती है फ्रेम इन फ्रेम। फ्रेम इन फ्रेम का मतलब है कि एक फ्रेम में आप दूसरे फ्रेम को कैसे ऐड करते हो। तो अब हम आते हैं लाइट पे। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोग्राफी। जैसे हमारी आंखों पे कहीं लाइट पड़ती है और हम किसी चीज को देखते हैं, और उस चीज को हम पहले देखते हैं जहां लाइट पड़ती है। सो सेम इज द केस विद फोटोग्राफी। जितना आप लाइट के पीछे भागोगे, उतना आप फोटोग्राफी में ग्रो करोगे। तो लाइट में हमारा क्या आता है? लाइट में आता है हमारा शटर स्पीड, एपर्चर और ISO। जैसे हमारी आंखें तेज लाइट को कैसे कंट्रोल करती है, वैसे ही कैमरा में शटर स्पीड, एपर्चर और ISO वैसे ही कंट्रोल करता है। जितनी आपकी सीन में एक लाइट होती है, उस लाइट को आप इन तीन चीजों से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपके पास बहुत ज्यादा लाइट हो, तो आपको ISO जितना मिनिमल, जितना कम हो सके उतना रखना है, और जितनी आपके पास ज्यादा लाइट हो, जितनी आपके पास कम लाइट हो, उतना आप ISO को बढ़ा सकते हो। सो उन चीजों से हम कंट्रोल कर सकते हैं लाइट। सेम इज द केस विद शटर स्पीड एंड अपर्चर। कैमरा में कितनी लाइट को आने देना है और कितनी लाइट को रोकना है, वो आपका काम करता है अपर्चर और शटर स्पीड। अब हम आते हैं कश्मीर पे। यहाँ कश्मीर में बहुत आसान है हमारे लिए एक फोटोग्राफ को बनाना, क्योंकि हमारे पास सीनिक ब्यूटी है, हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे पास अच्छा खाना है, हमारे पास हेरिटेज जगहें हैं जिनको हम एक अलग तरीके से दिखा सकते हैं। लेकिन एक टेक्निक ग्लोबली सेम रहती है। एक टेक्निक से आप उन हेरिटेज चीज़ों को कैसे यूनिकली दिखाओगे, वो एक बेटर फोटोग्राफर और एक बेटर फोटोग्राफ बनाती है। अब मैं अपनी जगह के बारे में आपको बताता हूँ। जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, वो सैफरन टाउन है, वो पाम्पोर है, जो कि सैफरन के लिए बहुत फेमस है, और उस जगह को फेमस सैफरन ने बनाया है। लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता था, मैं पाम्पोर की ब्यूटी दिखाना चाहता था। जैसे कि मैंने इस फोटो और इस फोटो में आपको दिखाया, ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है पाम्पोर की। इन फोटोज को एक डिफरेंट तरीके से कैसे प्रेजेंट करते हो आप, उसमें टेक्निक्स लगती हैं, उसमें एक कंपोजिशन टेक्निक्स लगती है। ये अगर इस जगह पे आप ऐसे जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये जगह सेम है जो मैंने खींची हुई है, क्योंकि मैंने इसमें टेक्निक्स को इनपुट किया हुआ है। आपके हाथ में कैमरा होने से ये पता नहीं चलता कि आप फोटोग्राफर हो, आपको कैमरा की टेक्निक्स पता होना जरूरी है। फोटोग्राफी में बहुत से जॉनर्स आते हैं, जैसे कि वेडिंग आता है, पोर्ट्रेट आता है, नेचर आता है, और आप एज अ फ्रेशर आपको सब करना है, सो दैट आपको पता चले कि आप किस जॉनर में बेस्ट हो। सो आपका जॉनर तभी आपको पता चलेगा जब आप सब चीज़ें करो। जैसे कि नाइट है, कि कोई शाम के टाइम की फ़ोटो बहुत अच्छी खींचता है, कोई दिन के टाइम की फ़ोटो अच्छी खींचता है। ये अलग अलग जॉनर आपका तरीका होना चाहिए, और आप एज अ फ्रेशर आपको सब करना है पहले। सो तब जाके आपको पता चलेगा आपकी खूबी क्या है, तब जाके आपके अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर आएगा। क्योंकि फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप आखिर तक सीखते हो,
और ये से एज कम्पेयर जैसे हमारी जिंदगी है और हमें आखिर तक सीखना है, फोटोग्राफी इज द सेम थिंग, हम आखिर तक इसमें सीखते हैं। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट फोटोग्राफी। आखिर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर मैं एक फोटो खींचता हूँ और कोई पेज इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे उस पिक्चर को पोस्ट कर देता है, इट शुड बी विद प्रॉपर क्रेडिट्स, ताकि जो उस फोटोग्राफर की मेहनत हो वो लोगों तक जाए कि नहीं इस फोटोग्राफर ने मेहनत की है, इस फोटोग्राफर ने एक फ़ोटो को ऐसे बनाया है, लोगों के सामने प्रेजेंटेबल किया है, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है। सो लोग उसकी इज्जत वैसे ही करना चाहिए जिस जैसे मेरे लिए फोटोग्राफ इतना कीमती है, वैसे ही मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ लोगों के सामने कि दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेज हैं जो एक फोटोग्राफर की फ़ोटो लेके अपने पेज पे डाल देते हैं विदाउट क्रेडिट्स, विदाउट एनीथिंग, विदाउट टैगिंग। या तो उन पेज को ये सब चीज़ें बंद करनी चाहिए और उनको ये चाहिए कि उस फोटोग्राफर की मेहनत को पूरे क्रेडिट्स के साथ लोगों के सामने प्रेजेंटेबल बनाएं। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि हम अपने काम को और निखारें और अच्छा बनाएं और प्रेजेंटेबल बनाएं। शुक्रिया।